सलमान खान की मूवी वांटेड मूवी की एक्ट्रेस ने भी अब बहुत बड़ा आरोप लगाया है नेपोटिज्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की वांटेड आप लोगों ने देखी ही होगी और कई बार आती है टीवी पर भी। तो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों पर शिकंजा कसते जा रहा है। इसी बीच वांटेड शायद आप लोग सभी ने देखी होगी मूवी, उस मूवी की फीमेल लीड एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने भी अब आरोप लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि उनको सेट पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, जब शूटिंग वो करती थी तब उनको सेट पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, ऐसा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपना दर्द उन्होंने बताया पूरी दुनिया को। और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो भी बड़े खानदान से होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर, वो बाहर से आए हुए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और तंग करते हैं और उन्हें काम करने ढंग से नहीं दिया जाता है, ना ही उनको सम्मान मिलता है और जितना उनका काम होता है उसके उनको सही मूल्य भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये बॉलीवुड की काली सच्चाई को दिखाता है और दर्शाता है कि कितने बड़े बड़े लोगों के छोटे दिल है। दोस्तों आपका क्या व्यू है इस पे नीचे कमेंट में ज़रूर करके बताना। और दोस्तों आप अगर सच में चाहते हो कि आपको ऐसी बॉलीवुड की खबरें सही बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि मैं ज़्यादा तो बकवास करता नहीं, जो भी सही अपडेट होता है वही आप लोगों को देता हूँ, तो प्लीज़ गाइस नीचे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला जो बटन है ना यार उसको दबा दो, समझो वही नेपोटिज्म का कीड़ा है, उसको दबाओ, बेल नोटिफिकेशन दबाओ और जुड़ जाओ मुझसे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से मेरे चैनल को तो लाइक करो यार और शेयर करो ताकि लोगों में बॉलीवुड की काली सच्चाई पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को ताकि बॉलीवुड में जो बॉलीवुड का सच्चाई है वो आम लोगों के बीच आ पाए। और दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, लव यू मेरे ऑल फ्रेंड्स जो जो वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू और माय फ्रेंड्स।